भारत में जितना ध्यान शहरों के ऊपर दिया जाता है उसका 10% भी गांव को समर्पित किया जाए तो गांव खुशहाल हो जाए और जीवन स्तर बिल्कुल बदल जाए। ऐसे ही अनशन मुद्दों को उठाने के लिए एबीपीएस टीम लगातार दौड़ लगा रही है। आज टीम का पड़ा पीलापुर कुमारी रहा, वर्तमान में इस गांव के प्रधान चंद्रावती हैं। यह गांव जिले से 50 किलोमीटर तो ब्लॉक ठाकुरद्वारा से 6 किलोमीटर दूर है। यहां के प्राइमरी स्कूल में 73 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहीं इस गांव की जनसंख्या 3800 से भी अधिक है। पंचायत निधि द्वारा गांव में शौचालय, सोलर लाइट और सीसी सड़कें तो बना दी गई है, पर नालियों की सफाई जैसे कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं। गांव में कुछ पात्रों को प्रधानमंत्री आवास के तहत पैसा मुहैया कराया गया तो वहीं दूसरी तरफ ना तो स्वास्थ्य केंद्र है और ना ही पंचायत घर, और तो अब गांव के पानी की निकासी का ठीक इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि रविंद्र पाल ने फंड के पैसों द्वारा स्कूल का सौंदर्यकरण, शौचालय, नाली व सड़क निर्माण कराया गया है तो वही राज्य सरकार से मांग है कि पंचायत घर, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवासी के लिए और पैसा भेजा जाए। मेरा नाम रविंद्र पाल, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत पीलकपुर गुवानी, ब्लॉक ठाकुरद्वारा। मैं रोजगार सेवक रविंद्र पाल, उनकी देख रेख में सारा काम कराता हूँ। जिम्मेदारी हमारे गांव में काफ़ी विकास हुआ है, जो भी सरकार से धन उपलब्ध हुआ है उससे हमने अनेक कार्य करवाए हैं, जो सड़क है, नाली है, गांव की साफ सफाई, स्कूल का सौंदर्यीकरण करवाया है और काफ़ी काम कराए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में एक शमशान घाट नहीं है, शमशान घाट उपलब्ध कराया जा, एक पंचायत घर की आवश्यकता, पंचायत घर उपलब्ध कराया जा और कुछ सर्कल सड़कें बनने के लिए वो सड़क बनाई जाएँ इन सरकार योजना द्वारा। कुछ जो है प्रधानमंत्री आवास में जो व्यक्ति 2011 गणना के छूट गए हैं उनका चयन करा जाए, उसमें उनको गरीबों को आवास मुहैया कराया जाए।